टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उनके द्वारा गाड़ियां खड़ी किए जाने वाले स्थान पर खुदाई पर विरोध जताया है। यूनियन के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन द्वारा खोखों के आवंटन के समय पानी की निकासी का प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रशासन ने दुकान ली, उसके लिए हम सहमत हैं क्योंकि हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है, लेकिन प्रशासन का ये भी फर्ज बनता है कि टैक्सी वालों के साथ भी नाइंसाफी ना हो। अगर खोखे वालों को दुकानें मिल गई तो उनको हमारे साथ भी मिलकर चलना चाहिए, जैसे हमारी गाड़ियां पहले लग रही थी, हमारी गाड़ियां वैसे ही लग रही थी। जिस तरह से उनको ये सोर्स वीर्स है। अब पानी की निकासी के नाम पर निकाली जा रही नाली के चलते उनके टैक्सी खड़े करने वाले स्थल पर अवरोध पैदा हो गया है। यदि शीघ्र ही इस संदर्भ में उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो उन्हें आंदोलनात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। पीआरटीवी के लिए हमीरपुर से पवन की रिपोर्ट।